बताना चाहता हूँ कि हम जब छोटे थे हमने उस उम्र में इस मुल्क को बनाने में जो तहरीक चल रही थी हमने उसमें अमली हिस्सा लिया। मैं 10 साल का था जब मैं 23 मार्च 1940 में मिंटो पार्क में उस पिंडाल में बैठा था जहां कायदे आजम ने पाकिस्तान की डिमांड का जो था अनाउंसमेंट की। उसके बाद जब गवर्नमेंट कॉलेज में हम पढ़ते रहे 43 से 47 तक, उस वक्त पाकिस्तान की तहरीक जो थी वो पूरी जोरों पे थी। हमने अपनी पढ़ाइयां छोड़ के हम उस तहरीक में शामिल हुए और हम वो जो जज्बा था जो स्पिरिट थी जिसके साथ ये मुल्क जो है ये मुल्क बनाया गया उससे बखूबी वाकिफ है। उसी जज्बे के तहत मैंने 1947 में फौज ज्वाइन करने का फैसला किया और हमें ये खुशी है कि हम पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के पहले लॉन्ग कोर्स जिनको के एकेडमी का और इस फौज का पायनियर तसव्वुर किया जाता है हम उनमें से थे। हमने 65 वॉर में भी हिस्सा लिया, 71 वॉर में भी हिस्सा लिया। मैं ज्यादा और तफसील में नहीं जाना चाहता हूँ मगर अगर मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त when we have reached the twilight years of our life we are ready to have faced the third war which has been inflicted on this country by foreign agents and the local agents in collaboration with them. ये मेरी समझ में तीसरी जंग होगी इस मुल्क की बका के लिए और इस जंग में जो हमारे दुश्मन हैं उनको मैं क्लियरली आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ। सबसे बड़ा दुश्मन इस वक्त इस मुल्क का राणा सनाउल्ला है जिसकी क्रिमिनल बैकग्राउंड है और जो कातलाना बैकग्राउंड का भी के लिए भी मशहूर है। हम उसको ये पैगाम देना चाहते हैं कि तुम इस मुल्क को तबाह करने में अपना जो किरदार अदा कर रहे हो और करना चाहते हो हम उसको नाकाम बना देंगे।